आशा कार्यकर्ताओं ने निकाली रैली, कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। आशा कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि आशा कार्यकर्ताओं एवं सहयोगियों को स्वास्थ्य विभाग में संविलियन किया जाए, उन्हें नियमित किया जाए और उसी के अनुरूप वेतन प्रदान किया जाए, समस्त प्रकार के भत्ते और मानदेय नियमित वाले प्रदान किए जाए। हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे। जय कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने हैं। मांगे क्या है? हम लोगों की मांगे यही है कि हम लोग संविलियन किया जाए स्वास्थ्य विभाग में और हम लोगों को समान काम समान वेतन दिया जाए। इतना पूछना काम का घोष दे दिया गया है कि हम लोग रोज प्रतिदिन आज ये सर्वे करना है, कल वो सर्वे, मतलब आदमी 24 घंटा गांव में ही घूमता रहता है। सर्वे आए दिन दीवार पे लिखना, सर्वे करना, ये सर्वे करना, ऊपर का भी काम नीचे वालों को दे दिया जाए ताकि उसी में वो दबते रह जाए। और पैसा कोई भी नहीं है हम लोग का, तो ये है कि हम लोगों का मजदूरी के नाम इतना तो आदमी मजदूरी में भी नहीं इससे ज्यादा पाता है, लेकिन हम लोगों का क्या क्या है? बस वही मानसिक तनाव, काम का तनाव बोझ है, इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि हम लोग के लिए असहनीय है। इसलिए हम लोग का समान कार्य के लिए समान वेतन देना चाहिए। दिमाग है, हो रही हो